एक बार फिर से आप सभी के बीच में हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको एक औषधि आज मैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर के आया हूँ और ये औषधि आपको अपने घर के आसपास कहीं भी मिल जाएगी। आपने इसे देखा भी होगा लेकिन आप पहचानते नहीं हैं, इसके औषधि गुणों को नहीं जानते हैं। तो आज मैं इस औषधि के जितने भी औषधीय गुण हैं, घर में कैसे इसको प्रयोग में करेंगे या किस पेशेंट को कैसे आप देंगे, ये सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिले और आप टाइमली मेरी सारी वीडियो आप देख सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए मैं उस औषधि से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो मेरे हाथ में ये जो पौधा है, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा इस पौधे को और कई लोग इसका नाम भी जानते होंगे, लेकिन इसके औषधीय गुण बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए मैं इससे आपको परिचित करा देता हूँ। इस पौधे का जो नाम है, आप ध्यान से देख लीजिए इस पौधे को, इस पौधे का नाम है नागरमोथा। आपने आसपास इसको देखा होगा, इसकी कई वेराइटियाँ हैं, तो अलग अलग वेराइटियाँ हैं इसका और अलग अलग गुड़ प्रयोग है। लेकिन जो आज का जो वीडियो है वनस्पति परिचय पे ही है, औषधि परिचय पे। मैं आपको औषधि से परिचय कराने के लिए पहला वीडियो आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है और इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये दूसरे तक पहुँचे। और इसकी जो जानकारी है सभी तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं ऐसी ऐसी दवाइयों में जो कि ज़्यादा कारगर भी नहीं होता और बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन आपके आसपास में जो औषधियाँ, आप उसको पहचान नहीं पाते हो और उससे इलाज नहीं कर पाते हो। तो मैं इसका बहुत जो भी औषधि गुण है उसको बताऊँगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने पौधे का नाम बताया, नागरमोथा है। ये आपको अगर मुख्यतः जान ले कि ये पौधा मिलता कहाँ है, तो ये नदियों के किनारे, तालाब के किनारे या नम भूमि पे आपको मिल जाएगा। अगर आज के बाद अगर ये पौधा आपने कहीं देखा तो इसको उखाड़ करके अपने गार्डन में लगाइए और इसके औषधि गुणों को जाइए। तो चलिए जानते हैं किन किन बीमारियों में काम आता है, इसका क्या उपयोग है, कैसे इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले इसका एक परिचय जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पौधा पहले ही दिखा दिया है कि इसका नाम नागरमोथा है। नागरमोथा तो इसकी तीन वेराइटियाँ होती हैं, एक को कहते हैं मोथा, नागरमोथा और केवटी मोथा। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मोथा और केवटी मोथा के बारे में भी बता दूंगा। नागरमोथा को इंग्लिश में साइप्रस रोटंडस कहा जाता है, इंग्लिश में इसको साइप्रस रोटंडस कहा जाता है। लैटिन नेम इसका है साइप्रस स्कैरियोसिस, साइप्रस स्कैरियोसिस इसका लैटिन नाम है। और अगर इसके फूल, इस पौधे का जो फूल है जुलाई में आता है और फल इसका दिसंबर में आता है। तो पौधे का फूल जो है जुलाई में आता है और फल कब आता है? दिसंबर में। और यह एक तरह का खरपतवार है। ये क्या खरपतवार, किसान अपने खेतों में अलग अलग अगर खेतों में देखे तो यह बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है। किसान इसको खरपतवार के रूप में उखाड़ करके फेंक देता है। कई किसानों को इसका गुड़ उपयोग नहीं पता है, तो इसलिए उससे अनजान है तो इसलिए इसका गुड़ नहीं पता है, तो वो इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसके गुड़ जान रहे हो तो फिर आप इसको उखाड़ करके रखिए और इसका प्रयोग कीजिए। तो सबसे ज्यादा अगर इसका उपयोग जाने कि क्यों इसका उपयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा ये है भूख बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। अगर कोई पेशेंट है जिसको भूख नहीं लगती है तो उसको भूख बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे मैं उसको बताऊंगा। फिर दूसरी चीज़ है, अगर बुखार होती है, बुखार है, पेट में कीड़े हैं, पेट में दिक्कत है, पेट में दर्द है या किसी को सूजन हुआ है, तो उसमें आप प्रयोग में दे सकते हो। किसी को ज़्यादा प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उसमें भी दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी महिला है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसके दूध में कमी हो रही है, दूध सही नहीं है, तो उसमें भी ये आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो कैसे प्रयोग करेंगे इसका, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले इसका प्रयोग मैं बताऊंगा आंखों के लिए। अगर आंखों में जलन है या आंखें लाल हो गई हैं या रतौंधी वाले जो पेशेंट है, अगर उसका ये इसका ये प्रयोग करना चाहते हैं तो करना क्या है आपको, कहीं भी अगर नागरमोथा दिखता है तो उसके पत्तों को आप तोड़ लीजिए। इस प्रकार से पत्ते बस तोड़ लेना है, फल और जड़ को नहीं तोड़ना है। पत्तों को तोड़ करके आपको बकरी के दूध के साथ इसको पीस लेना है। अगर बकरी का दूध नहीं मिलता है तो पानी के साथ इसको पीस लीजिए और पीस करके काजल के
इतना गाढ़ा करके आप आंखों में काजल की तरह इसको लगाइए। इसको लगाने से जो आंख में लालिमा है, खुजली है, जलन है या आंखों में दिक्कत है, रात में नहीं दिख रहा है, तो कुछ दिन प्रयोग करने के बाद से आपको लाभ मिलेगा इससे। और यह जो जो भी नुस्खे बताए जा रहे हैं ये पूरी तरह से आजमाए हुए हैं और आयुर्वेदिक ग्रंथों के जो जानकारियां उनको कलेक्ट करके ये आपके सामने बताया जा रहा है। तो आप इसको निसंकोच आप प्रयोग में ले सकते हो या प्रयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी के मुंह में विकार है या मुंह से दुर्गंध आती है या दांत दर्द होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि इनके पत्तों को, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, इसके पत्तों को आपको इकट्ठा करना है और इसके फल को और फूल को, पूरे पौधे को इकट्ठा करके आपको विडंग, पिपली, नीम, इन सब के साथ क्या करना है, अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस करके गौमूत्र मिला करके इसको सेमी सॉलिड बना देना है, जिससे आप इसकी गोलियां बना सके। तो छोटी छोटी गोलियां बना करके आप इसको छाए में सुखाइएगा। आप ध्यान रहे, आप इसको छाए में सुखाइए। एक से दो गोली आप मुंह में रखेंगे, अगर दांत दर्द हो रहा है या मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। तीसरी जो चीज है इसको बता दे, तीसरा, अगर नागर मोथा का 10 से 30 ग्राम, मतलब इसके पत्ते को तोड़ करके, नागर मोथा के पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए, पौधे से पत्तों को अलग कर लीजिए, ऐसे जैसे पत्तों को मैंने बताया, पत्तों को कटिंग कर लीजिएगा ऐसे काट करके, और दोगुना पानी ले लीजिएगा। अगर दो दो गिलास पानी है तो आप उस पानी में डाल दीजिए इसको, और तब तक खौलाइए जब पानी एक गिलास बच जाए। एक गिलास पानी होने के बाद इसको गर्म छान करके गर्म ही पेशेंट को पीने के लिए देना है, ताकि अगर पेशेंट के पेट में दिक्कत है, डाइजेशन सही नहीं है, तो इसके लिए वो सही हो सकता है, सही हो जाएगा और उसकी भूख भी बढ़ेगी उसको आगे। तो इससे ग्राम नागर मोथा का चूर्ण बनाना है आपको। नागर मोथा के पौधों को ऐसे लेना है जिसमें पत्ते भी हों, जड़ नहीं हो, इस पौधे को ले लेना है और फिर इसको आपको सुखा देना है। सुखा करके आपको क्या करना है, इसका चूर्ण बना लेना है। 5 से 10 ग्राम चूर्ण अगर किसी ऐसे पेशेंट को देना है, अगर बच्चे भी हैं तो मात्रा का अनुसार, मात्रा का मात्रा पे ज़्यादा ध्यान देंगे और चिकित्सक से पूछ भी लेंगे, और 5 से 10 ग्राम की मात्रा जो है वो पेशेंट को देनी है, जिससे पेट में अगर कीड़े हैं तो वो सही हो जाएंगे। पेट के कीड़ों के लिए सबसे रामबाण इलाज है ये, पेट के कीड़ों के लिए। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे अगर कोई स्त्री है वो स्तनपान करा रही है अपने बच्चों को, और अगर दूध अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं आ रहा है, दूध की कमी है, तो इसके पत्तों को, ताजे पत्तों को आप तोड़ लीजिए। नागर मोथा के ताजे पत्तों को आप तोड़ लेंगे, तोड़ करके इसको सील बट्टे पे आप पीस दीजिएगा। सील बट्टे पे पीस करके पतला लेप स्तन पे कर देंगे। ऐसा कई बार करने पे, कई दिनों तक करने से स्तनपान, जो दूध की कमी हो रही थी, वो दूध सही हो जाएगा, और वो स्तनपान में जो दुग्ध में जो स्तन दूध में जो अशुद्धता होगी वो सही हो जाएगी। तो ये भी आप पेशेंट को आप बता सकते हो। नेक्स्ट लेना है और 50 ग्राम गुड़ लेना है, 10 ग्राम नागर मोथा लेना है। नागर मोथा का पूरा पौधा रहेगा, जड़ नहीं रहेगा। 10 ग्राम नागर मोथा, तो नागर मोथा ले लेना है आपको, उसको पीस लेना है और पीस करके उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला लेना है, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। और जो महिलाएं जिनका मासिक धर्म सही से नहीं आता, समय से नहीं आता, तो उनको देंगे खाने के लिए, एक एक दो दो गोलियां अगर आप खाने के लिए देते हो तो मासिक धर्म की जो समस्या है वो पूरी तरह से सही हो जाएगी। दूसरी चीज, इसके पहले मैंने बताया नागर मोथा का काढ़ा बनाने के लिए, तो नागर मोथा का काढ़ा आप गर्म पेशेंट को अगर देंगे तो उसकी पाचन प्रक्रिया दुरुस्त हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन वही काढ़ा अगर ठंडा करके, ज़्यादा ठंडा करके अगर पेशेंट को पिलाएंगे तो ये हैजा में ज़्यादा लाभदायक है, हैजा रोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर नागर मोथा का जो लेप है, अगर नागर मोथा का लेप अगर आप करते हैं, जैसे नागर मोथा के ताजे पत्ते, बार बार मैं बता रहा हूँ पत्तों को लेकर के, जैसे आप ध्यान में रखिएगा, पत्ते ताजे पत्ते ही होने चाहिए। ताजे पत्ते लेकर के जल के साथ साथ आप इसको पीस लीजिए, और अगर कहीं सूजन है हाथ में या पैर में कहीं या मुंह पे कहीं सूजन है, तो आप इसका पतला लेप लगाइए। अगर तीन से चार बार अगर आप इसका लेप कर देते हो 3 से 4 दिनों तक, तो सूजन निश्चित रूप से सही हो जाएगा। तो जो भी जानकारी आपको यहाँ पे औषधि से रिलेटेड दी गई है, ये विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद ग्रंथों, आयुर्वेद की किताबों से कलेक्ट की गई है, और आपके सामने मैं ये लेकर के आया हूँ।
अगर आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है या आपको जानकारी ये अच्छी लगती है तो आप इसको प्रयोग में लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।